अलीगढ़ में आमजन को शीतलहर और ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और प्रभारी अधिकारी आपदा मीनू राणा ने जनपदवासियों को शीतलहर से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय रेडियो, दैनिक समाचार पत्र, टीवी एवं मोबाइल फोन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें। कोयले की अंगीठी, मिट्टी तेल का चूल्हा, हीटर का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें और कमरे में शुद्ध हवा का आवागमन, वेंटिलेशन बनाए रखें ताकि कमरे में विषाक्त व जहरीला धुआं इकट्ठा ना हो। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड व कोहरा पड़ने पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जितना हो सके घर के अंदर रखें। शरीर में ऊष्मा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए पोषक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। शीतलहर से बचाव के लिए राहत कार्यालय द्वारा और आपदा कार्यालय द्वारा निरंतर इसमें निर्देश जारी किए गए हैं कि अत्यधिक शीतलहर चलने पर, अत्यधिक ठंड का मौसम होने पर, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। और यदि किसी भी प्रकार की बेचैनी और बहुत हाथ सुन्न हो जाते हैं, ऐसी ठंडक महसूस हो रही है, विस्मृति हो रही है, तो ऐसी दशा में जो आसपास में चिकित्सालय है वहाँ पर संपर्क किया जाए और निरंतर प्रशासन द्वारा इस अलाव हेतु भी सभी तहसीलों में धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिससे जो हमारे सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे, जैसे बस स्टैंड हो गए और रेलवे स्टेशन, जहाँ पे लोगों को एकत्र होना ही होता है, निकलना ही होता है उस मौसम में भी, तो वो अलाव की व्यवस्था वहाँ कराई जा रही है।